दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका क्या प्रात चैनल में। तो आज की जो लोकसभा आयोग की सबसे बड़ी खबर जो है, आयोग के जो है नए कैलेंडर में होंगी भर्तियों की भरमार। जो इसमें आपने देखा लोक सेवा आयोग की तरफ से जो कैलेंडर जारी किया जाएगा, यहाँ पर जो भर्तियों की भरमार होगी। और यहाँ पर लिखा हुआ इसी माह जो है भर्तियों का जो कैलेंडर जारी करने की तैयारी है यूपीएससी की तरफ से, मतलब लोकसभा आयोग की तरफ से जो है ये सबसे बड़ी खबर यहाँ पर बताया गया। इसमें जो उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग की तरफ से जो है यूपीएससी की तरफ से इसी माह जो है आपका 2024 का कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा यहाँ पर जो। और जो है लोकसभा आयोग की तरफ से एक खबर और है, उत्तर प्रदेश लोकसभा की तरफ से जो है आयोग के रीडर के दो पदों पर सीधी भर्ती का जो है चयन परिणाम मंगलवार को जारी कर दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं रीडर के दो पद परिणाम जो है वो रिजल्ट इसमें आ चुका है। बताया गया है कि यहाँ पर जो है कि चिकित्सा महाविद्यालय में रीडर के जो है इतने पदों पर भर्तियाँ थी, दो रिजल्ट इसमें आ चुका है। और यहाँ पर जो बताया गया इसमें जो एस सी और इसके अनुसूचित जाति एक पदों पर जो है ये इनका चयन किया गया, ठीक है। वहीं पर बताया गया इसमें लोक सेवा आयोग की तरफ से खबर एक और है, पीसीएस के आवेदन शुरू, ओटीआर ने पकड़ी रफ्तार। तो यहाँ पर जो ओटीआर ने जो है वो रफ्तार पकड़ दी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सबसे बड़ी खबर। तो आपको तीन खबर मैंने इसमें दिखा दी। बात करेंगे यहाँ पर जो फर्जी नियुक्तियों में भी जो है अभी जो है अरबी लाल आरोपी गिरफ्तार। मतलब क्या इसमें भ्रष्टाचार और फर्जी जो है नियुक्तियों के मुकदमे में आरोप पत्र दाखिल किया गया 14 दिन के लिए जो है शूट आउट से कुलपति के जो है बड़ी अभिरक्षा। कहना मतलब क्या शिक्षकों की भर्ती के भ्रष्टाचार लगे हैं, ले दे के भर्तियाँ करी इन्होंने जो है ये शिक्षकों की फर्जी नियुक्ति और भ्रष्टाचार के जो मुकदमे में नैनी पुलिस के जो है सैम इसमें इनको जो है वो चार्जशीट जारी कर दी गई है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर जो है भर्ती है भर्तियाँ की गई थी और यहाँ पर जो वित्तीय अनियमितता और फर्जी नियुक्ति के मुकदमे में भी जो है अभियुक्त अरबी लाल के जो खिलाफ चार्जशीट यहाँ पर जो है मुकदमा जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पर भी आप ये जो है देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये फर्जी नियुक्तियाँ हाई कोर्ट ने सीधे इनके ऊपर आरोप लगाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये अब तो यहाँ पर भी अखबार में भी आ गया कि यहाँ पर जो है हाई कोर्ट में जो कंप्यूटर नियुक्ति के जो 225 न्यायिक अधिकारी जो है इसमें होंगे। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट प्रशासन के जो ऑटोमेटिक जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो हैं तो यहाँ पर 225 जो है नव नियुक्त सिविल जजों की भर्तियों का जो है वो यहाँ पर कंप्यूटर से कराई जाएगी भर्तियाँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो कंप्यूटर से भर्तियाँ होंगी और यहाँ पर जो है ये देख सकते हैं। बात करेंगे यहाँ पर जो मुक्त विश्वविद्यालय में जो है शुरू हुए दाखिले, डिप्लोमा के 6 नए पाठ्यक्रम जारी और कुल जो है 124 पाठ्यक्रम में 29 फरवरी तक इसमें लिए जाएंगे आवेदन। कहना मतलब क्या प्रवेश इसमें जो आप ले सकते हैं 29 फरवरी तक। और यहाँ पर भी जो है नई शिक्षा नीति जो है आपको 2020 के तहत जो है लागू किया गया इसमें पाठ्यक्रम। बात करेंगे यहाँ पर जो है डीएलएड के जो है ये 8 जनवरी से शुरू हो इसमें हो रही है परीक्षाओं को लेकर जो है इंस्ट्रक्शन जारी कर दिए गए हैं, दिशा निर्देश जो है वो जारी हो चुके हैं। प्रश्न पत्र व कॉपियों पर होगी सीसीटीवी से निगरानी। तो यहाँ पर ये आपका डीएलएड के जो चतुर्थ श्रेणी और यहाँ पर जो चतुर्थ सेमेस्टर और जो तृतीय सेमेस्टर और द्वितीय सेमेस्टर परीक्षाएँ जो है ये 8 जनवरी से इसमें स्टार्ट हो रही हैं। और एक खबर और है, आपने देखा थंबनेल में देख लिया होगा, यहाँ पे जो आयु सीमा में जो छूट के लिए जो ज्ञापन है और यहाँ पे जो हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और 6 लाख रिक्त पदों को जो भर्ती प्रक्रिया जो है शीघ्र शुरू करने की मांग को लेकर जो है पत्थर गिरजाघर पे जो है 22 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। तो उनका जो है वो धरना सफल भी रहा कि यहाँ उन्होंने कहा है कि यहाँ पे हम जो है हर परिवार उत्तर प्रदेश प्रयागराज आप जानती हैं, तो यहाँ पे जो है हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और 6 लाख जो है नियुक्ति भरने के लिए बोला गया। 22 दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है और कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड 2 का जो है भर्ती का परिणाम भी भर्ती जो इसमें हो रही है, ठीक है। बात करेंगे यहाँ पर ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल खत्म और सरकार तत्काल जो है लागू नहीं करेगी नया कानून। मतलब कि अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस व सरकार के ड्राइवरों को किसे जो है काम पर लौटने की अपील की गई है। बताया गया कि यहाँ पे जो है हड़ताल चल रही थी, तो यहाँ पे जो है पेट्रोल पंप सूखे, मीडिया तक जो है नहीं पहुँची सब्जियाँ, तो यहाँ पर जो है वो हड़ताल चल रही थी। यहाँ पर भी आप ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये बात करेंगे यहाँ पर जो बीपीएससी के जो 69वीं जो मुख्य परीक्षा के लिए बनाए गए इसमें 9 केंद्र। तो यहाँ पर बिहार लोकसभा की तरफ से जो 69वीं जो है मुख्य परीक्षा कराई जा रही है, तो इसमें 9 केंद्र बनाए गए हैं और यहाँ पर जो है ये इसमें जो है 4600 अभ्यर्थी शामिल हुए परीक्षा में जो है। बता दें कि यहाँ पर जो है JEE मेंस की जो है 24 जनवरी से होगी परीक्षा। तो यहाँ पर जो है ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करा रही है इसमें JEE, तो यहाँ पर मेन की परीक्षा जो है वो 24 तारीख से कराई जाएगी। एडमिट कार्ड यहाँ पर जो है लिखा हुआ है, यहाँ पर जो है ये यहाँ पर जो है एडमिट कार्ड जो अपना जो है JEE मेन एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर सकेंगे यहाँ पर जो है ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो इस तरीके साइड में यहाँ पर दिया हुआ है ये। अगर आप जो है पटना से अगर DLED आप करना चाहते हैं तो इसमें DLED में प्रवेश के लिए जो 4 से 8 तक इसमें आवेदन यहाँ पे द्वितीय स्पॉट नामांकन की तिथि यहाँ पे जारी कर दी गई और रिक्त सीटों पर विवरण यहाँ पे जो आज जारी हो चुका है। और यहाँ पे जो बताते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें शिक्षा विभाग ने दिए 2 लाख से अधिक जो है नौकरियाँ, मंत्री जी ने भी कहा यहाँ पर जो है ये।
बताते हैं, यहाँ पे बताया गया इसमें उत्तर प्रदेश लखनऊ से, आप जानते हैं है ना उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, लखनऊ से खबर आ रही है कि यहाँ पे जो माध्यमिक स्कूलों में जो मनाया जाएगा 12वीं दिवस, इसमें दिवसीय युवा दिवस, क्या मतलब युवा उत्सव। तो यहाँ पर बताया गया इसमें जो है कि माध्यमिक स्कूलों में जो 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप ये देखते हैं, यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जयंती के लिए यहाँ पर जो बताया गया है, तो पूरा ब्यौरा यहाँ पर जो है ये आ चुका है। ये जो है फिर निकाला गया इसमें जो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर जूनियर हाई स्कूलों में संविदा पर रखे जाएंगे बाबू और चपरासी। यहाँ पर जो है ये मानक के अनुसार आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो प्रदेश के जो है 3049 सहायता प्राप्त जो जूनियर स्कूल हैं बाबू और चपरासियों की नियुक्ति जो आप संविदा पर होंगी। यहाँ पर जो है मानक के अनुसार जो लिपिक और अनुचर की जो नियुक्ति यहाँ पर जो है बताया गया है। तो यहाँ पर जो तमाम स्कूल जो है ये लिपिक और अनुचर कहते हैं चपरासी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये भर्तियाँ अभी नहीं हुई हैं। तो यहाँ पर जो बताना चाहेंगे, यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि यहाँ पर एडेड इस हाई स्कूलों में संविदा पर रखे जाएंगे बाबू और चपरासी। तो ये भर्तियाँ बहुत जल्द होंगी, अधिकारी के द्वारा जो प्राप्त हुई जानकारी यहाँ पर बताया गया। इसमें जो है कि संविदा पर जो है आउटसोर्सिंग से जो है प्रस्ताव भेज दिया गया मुख्यमंत्री जी को जहाँ पर ये, और अनुमति मिलते ही काम शुरू हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए हरी झंडी मिलने के बाद जो है यहाँ पर काम शुरू कर दिया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं हरी झंडी मिलने वाली, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन सर पर है ये। बात करते हैं कमेंट की, और यहाँ पर बताया गया इसमें जो आपने देखा हो ये कल शाम का वीडियो, अगर आपने देखा नहीं है तो प्लीज़ देख लीजिए। यहाँ पर बताया गया इसमें जो है कि यहाँ पर राजकीय जो महाविद्यालय होते हैं वहाँ पर पेना पैट के समूह गए के पदों पर रिक्तियों के लिए प्रस्ताव भेजा गया था। तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है सर। आजमगढ़ में चपरासी भर्ती कब आएगी? मैंने बोला चपरासी भर्ती आजमगढ़ में आ चुकी है, 30 तारीख लास्ट डेट थी, और इसकी अब जो है मेरिट लिस्ट आने वाली। मैंने आपको बोला था यहाँ पर जो है मेरिट लिस्ट आपने है ना यहाँ पर जो है, पर आपने फॉर्म भरा नहीं होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 40,000 जो है यहाँ पे ग्रामीण सफाई कर्मचारी भर्ती यहाँ पे होगी। इसके बाद सर प्रयागराज प्यौन भर्ती मेरिट लिस्ट जो है कब आएगी? प्यौन भर्ती मैं आपको बता दूंगा 7 तारीख को आएगी। यहाँ पर बताया गया है सर जो है डिग्री कॉलेज में सब जुगाड़ का होता है, हम तो सब फॉर्मेलिटी के लिए बुलाए जाते हैं। देखो डिग्री कॉलेज के लिए क्या लिपिक भर्ती के लिए बोला गया भाई ने जो है, मैंने आपको बताया था कल जो है लिपिक भर्ती बिना पैट के कराई जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये यहाँ पर जो फॉर्मेलिटी के लिए बुलाए जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है अभी, अगर आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा, ठीक है। बताते हैं अल्पसंख्यक कॉलेज में लिस्ट में नाम कैसे चेक किया जाए, लिस्ट में नाम कैसे चेक किया जाए? तो देखो भाई इसका पहले आपको डाउनलोड करना पड़ेगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से जो है ये मेरिट लिस्ट आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। उसके बाद गोंडा में प्यौन भर्ती कब आई? मैंने आपसे बोला भाई गोंडा में मिश्री लाल इंटर कॉलेज जो है गोंडा के अंतर्गत आप डाल लीजिए गूगल पे, वहाँ पे आप चले जाइए, वहाँ पे भर्ती खाली थी। मेरे पास भी कॉल आया था, अगर कोई कैंडिडेट हो तो प्लीज़ बताइएगा सर, तो है ना। तो इसलिए आप ये गोंडा में आप ये देख लीजिए, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ इसमें जो है ये। इसके बाद सर यूपी के तो मुजफ्फरनगर में चपरासी भर्ती कब निकलेगी? मुजफ्फरनगर में मैं आपको बता दूंगा, अभी नहीं आई है, ठीक है। इसके बाद जो है कमेंट का रिप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर, अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है, बैंक में भर्ती आ चुकी थी, ठीक है। तो यहाँ पर बैंक में बंधन बैंक है ये, तो यहाँ पर भी आप ये जो है वो देख सकते हैं बंधन बैंक वाला। तो अगर आप वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिए यहाँ पर जो है ये। इसके बाद जो है ये 40,000 जो है ग्रामीण सफाई कर्मचारी भर्ती कब आएगी? मैंने बोला नए साल के बाद आ जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि सरकार को भर्तियाँ करनी होती हैं और लोकसभा इलेक्शन जीतना। मेरे चैनल पर अगर नहीं है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल करें प्लस। थैंक यू वेरी मच।